फ्री में पैसा बट रहा है और लूटने की मार लगी, आप लोगों को भी पैसा चाहिए तो एक आदमी का नाम बताएंगी ये, और ये महिलाएं जो आपको देख दिख रही हैं, और उनसे संपर्क कीजिए, वो फ्री में आपको पैसा दिलवाएगी सरकार से, और वो पैसे को आपको वापस भी नहीं करना है, उस पैसे को आपको लौटाना भी नहीं है। जो भी लाख रुपये, 1 लाख मिले, 70,000 मिले, 80,000, वो आपका अपना पैसा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन महिलाओं को कहा गया था, इन लोगों को आप ध्यान से देखिए, इन महिलाओं को यही चीज़ें कही गई थी कि फ्री में सरकार का एक मदद आया है, एक अनुदान आया है, एक सहायता राशि आई है, ये पैसा आप लोग ले लीजिए, फिर आपको वापस भी नहीं करना है। और इन भोली भाली महिलाओं को देखिए, इन लोगों को लालच आ गया दिल में और इन लोगों ने वैसा ही किया, उसके बहकावे में आकर इन लोगों ने अब पैसा ले लिया। और इन्हें बाद में पता चला, जब उगाही करने के लिए जो है कर्मचारी आने लगे, बैंक के अधिकारी आने लगे, तब इन्हें पता चला, अरे हमारे नाम पर तो लाखों का लोन हो चुका है, हम तो कर्ज में डूब चुके हैं। एक चीज और दिखाइए समीधर, है जरा सा ये दिखाइए, वो थाना का भवन देख रहे हैं आप, वो थाना है ये भागलपुर जिले का सनोखर थाना, और ठीक थाना से थोड़ी सी दूरी पर, महज 50 मीटर की दूरी पर ये महिलाएं खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं, आइए समझ ही लेते हैं इन लोगों से। थाना आप लोग क्यों आ गए? केस करने आए हैं। किसके खिलाफ? गुलशन आरा के। क्या क्या गुलशन आरा? गुलशन आरा ने अनुदान का करके पैसा दिया, और अभी बोल रहा है कि लोन भरने के लिए। लोन हम कहाँ से भरेंगे? 35,000 वही ले लिया, 5,000 हमको दिया है, तो हम कहाँ से भरेंगे? 40,000 आपको आया? हाँ, 40,000 रुपया आया था। 35,000 वो ले लिया? वो ले लिया। कैसे ले लिया? वो ट्रांसफर करके लिया है आपके खाता से, अपने खाता में? अपने खाता में निकलवा करके भी लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा फिरोज खातून। आपके साथ आपका क्या कहानी है? बीबी ये आपका कितना पैसा आया था? 40,000। आपका कितना ली वो? मैं 47,000 हमरा दिया। हाँ, 7,000 इनको दी और 33,000 वो ली। तोरो साथ चाची? हमरो साथ में 40,000 लो छे, 10,000 दे लो छे, 30,000 में गुलशन रंग ले लो छे। तोरो साथ? हमरो एलो ने 65,000। 65,000 आलो? 65,000 हमरा, 10,000 टोटल पे 55,000 मा ले लेलको। तोरो कितना? हमरो तो 39,000 में 6,000 देला छ, और 30,000 तो स्टेट बैंक को देलियो, और 3,000 आधार कटो देलियो। 33,000 70,000 में तोरा कितना मिललो? 10,000 में 60,000 वो ले ली। और रुके, इधर से स्टार्ट कीजिए। ढेर, ये बहुत सारी महिलाएं, सब वो ठगी हुई महिलाएं, सारी महिलाओं ने जो है लालच में पैसा लिया। अब इनके ऊपर लोन है, अब रोज बैंक के कर्मचारी, बैंक के अधिकारी, या फिर जिस बैंक वाले ने दिया वो लोग। तोरो साथ कितना? मैं एक के बेर ले ला। कितना आलो पैसा? 20,000 और 8,000। 28,000 28,000 में तोरा कितना मिल लो? 4,000। 24,000 ओकरो? तोरो? हमरो दो लोन में। कितना पहले लोन में कितना पैसा? एक दफे अलै 35,000। एक दफे अलै 35,000। तोरा कितना मिललो? एक बेरी मिललो 10,000, और एक बेरी दिले 7,000। एक बार 70,000 में 17,000 आपको मिला, 53,000 उसका। तोरो? हमरो 53,000 लेला, 28,500 देला। 28,500 दिया, 53,000 लिया। तोरो की नाम? सब का गांव कौन? सब एक ही गांव थे सब? तो सब कौन गांव? कौन गांव चाची? जलहा। सनोखर थाना क्षेत्र में आता है गांव जलहा। सब एक ही गांव की महिलाएं हैं। क्या हुआ? चलिए कोई नहीं, ये सारी महिलाएं कितना आदमी आलो जे? इकतीस आदमी थाना परिसर के सामने गेट, थाना जाने के लिए। अच्छा, आप लोग अब ये बात बता दीजिए, आए हैं थाना किस लिए आए हैं? केस करने के लिए। केस करने के लिए? हम सब गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? अनुदान का करके दिया, अभी बोल रहा है लोन भरने के लिए, हम कहाँ से भरेंगे? 5,000 में 40,000 का लोन भर सकेंगे? तो हम कहाँ से भरेंगे? वही से हम बोले कि केस करेंगे ऊपर से। चलिए अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो FIR यहाँ पर दर्ज होने जा रहा है, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर किया जा रहा है। चचा बैठे हैं,
इनसे जानते हैं कि ये कौन है और क्या चीजें हुई हैं। जरा सा आपको दो मिनट डिस्टर्ब करते हैं सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अवध दुबे है। अवध दुबे जी, मैं पूर्व मुखिया तलौंदा पंचायत से हूँ, मेरी पत्नी मुखिया थी। हाँ, इसी लोगों हाँ, ग्राम जलहा, जलहा का ही पंचायत तलौंदा में ग्राम जलहा पड़ता है। ठीक है। इन लोगों को बहुत सातिराना चाल से ये गुलशन आरा ने धोखा दिया है, पैसा लूटा है। पहले गाँव में आज से 19 महीना पहले 5-6 औरतों को पैसा दिया कि तुमको ये अनुदान का पैसा है, और ये लोग में कुछ आदमी कुछ महिलाएं पहले से भी ग्रुप लोन जो महिला का समूह का लोन है लेती थी, तो उसका महीना में कलेक्शन के लिए एजेंट आता था, इसमें ये लोग जाती थी। लेकिन ये लोग देख रही हैं कि वो जो 5-7 महिला जिसको मुफ्त का पैसा कह के दी थी, ना एजेंट उससे कोई कागज दिया, ना पैसा का किस्त मांगता था, इन लोग को भी विश्वास हो गया कि ये सही में फ्री का पैसा है। इसके बाद खेल गुलशन आरा का शुरू हुआ। विगत 4-5 महीना में 30-40 महिलाओं को कहीं कि फ्री का पैसा है, ना इन लोगों से कहीं किसी कागज पर टिप दस्तखत लिया, ना किन्हीं को कोई बैंक सन्होला या कहलगांव जो ब्रांच है ये फाइनेंस कंपनियों का वहाँ भी नहीं ले गई, बिना टिप दस्तखत ली, फिर बैंक का पासबुक और इसका आधार का कॉपी लेके इन लोग के खाते में पैसा भेज दी। ये लोग भी सोची अनुदान का है तो 40,000 में अगर 5,000 मिला हमको तो ठीक है ना भाई, बिना कहीं दौड़े सरकारी पैसा है, अनुदान है, फ्री का पैसा है कह के ले लिए, करके फंसा दी। ये गरीब महिलाओं का ये हालत था कि किन्हीं का खाता दिसंबर 22 के बाद अप टू डेट ही नहीं है 10 महीना से, और बैंक में यूको बैंक में अधिकांश का जो खाता है तो यूको बैंक में कोई जो है सो नया पासबुक एक बना है, पासबुक ही नहीं रहता था। सबके पति गुजरात पंजाब कमाते हैं तो एक बार दो बार दौड़ के आई, अप टू डेट ही नहीं था। और कुछ लोगों का मिनी जो ग्राहक सेवा केंद्र ये है स्टेट बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उसका पासबुक ही नहीं था, किन्हीं को पता ही नहीं चल रहा था। अभी जबकि लोग सब दौड़ दौड़ के हल्ला हुआ एक महीना पहले कि ये तो घोटाला हुआ है, ये तो लोन का पैसा दिला रही है हम लोग को, ये लोग अभी 10वां महीना में 10 तारीख के लगभग सभी ने अप टू डेट कराया तो देखती है कि ये घोटाला का हो गया है, हम लोग को तो लोन का पैसा दिए। बेचारी लोग दौड़ी बातचीत की, भैया तू दे दो लौटा दो, वो माने नहीं, धमकी भी दी। हम आवाज़ उठाए तो आज से 10 दिन पहले मेरे हमारे पर हम आ रहे थे तो रात में 7 बजे एक उजला स्कॉर्पियो से गुलशन आरा, उसका पति हैदर और 2 आदमी और जलहा का था, नाम से पहचानते हैं, पकड़ के मेरे साथ भी मारपीट किया, रिवॉल्वर सटाया, गोली चला तो नहीं, तब तक देखा कि एक गाड़ी आ रही थी 7:30 बजे शाम का घटना था तलौंदा बिहार का, गाड़ी देखा तो पुलिस है भाग गया कि साले तुमको मार देंगे या तुमको झूठा केस में फंसा देंगे। हम यहाँ थाना आए, थाना केस नहीं लिए तो हम कोर्ट में भी केस उस पर किए हैं। ये हर हथकंडा अपनाती है कि किसका जान मार देगी, किसको क्या कर देगी, पता नहीं। ये बहुत बड़ा घोटाला है, इन लोग गरीब महिलाओं अनपढ़ के साथ हुआ है। अगर पढ़ी लिखी रहती तो ये अत्याचार ये नहीं होता, या बैंक भी अगर सबका खाता अप टू डेट होता तो समझ में आ जाता। उस पर एक और मुसीबत है, किसी का अपना मोबाइल नंबर भी नहीं दी है लोन में, किसी को कोई मैसेज भी नहीं आता है, तो ये सब चलते ही बहुत सातिर औरत है इसमें पूरा, इसके फाइनेंस कंपनी भी मिले हुए हैं, सब लोग मिल के लोग को लूट लिए है। हम लोग फिर भी कोशिश किए कि समझौता तो हम ही पर, ये लोग हमला कर दिए। इसके बाद जो है सो अभी सब लोग कोशिश किया, नहीं तो अब थाना में हम लोग आवेदन दे रहे हैं, उसी की कॉपी है सब, उसी की कॉपी है, बड़ा बोले कि 6 कॉपी दीजिए, हम लोग थाना जा रहे हैं। इसका बहुत सारा CD भी है, बयान भी है, सब लगा के केस का 1-2 वीडियो है, 4 ऑडियो है, सब हम लोग 5 कॉपी लगा के थाना में दे रहे हैं, बस यही है इन लोग का हालत। चलिए, तो आप पूरी कहानी समझ गए होंगे कि मामला क्या है, और ये मामला हमने आज से 20 दिन पहले भी आप लोगों को दिखाया था कि एक महिला सामने आई थी कि जिन्होंने अपना दर्द बताया था, फिर उसके बाद से बारी बारी से ये सारी महिलाएं सभी के साथ वही चीज़ें हुई जो ये बता रही हैं। अब आगे की कार्रवाई के लिए जो है पूर्व मुखिया जी हैं अवध दुबे जी, वो कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को न्याय मिले। और एक और बताइए पूनम, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपने जो उजागर किया, जो आपने बताया 20 दिन पहले 25 दिन उसी पर ये सब महिलाएं हरकत में आई, समाज हरकत में आया, इन लोगों ने आपके
सुन के ही आप ही का चैनल का घटना सुन करके इसके बाद ये लोग सब हरकत में आए और उससे आज जो है सो इतना बड़ा माने कि घोटाला का पर्दाफाश हुआ। और आपके चैनल को पुनः धन्यवाद है कि आगे भी इसको मीडिया में आने से आपने जो उजागर किया, अब आगे भी इस तरह का घोटाला रुक जाएगा, कोई इस तरह से गरीब को लूट नहीं पाएगा इस तरीके से, धन्यवाद। चलिए तो उजागर मीडिया ये काम करती है हर वैसी चीज़ों को उजागर करने का जहां पर लगता है कि नहीं ये चीज़ें गलत हो रही हैं। बाकी इन महिलाओं के लिए आप क्या सोचते हैं, ये जो सर कर रहे हैं क्या इन महिलाओं के साथ ठगी जायज़ है, जो एक एक औरत इस महिला को इतने लोगों को इस तरीके से दौड़ा रही हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर आप कमेंट जरूर दर्ज कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। एक निवेदन और, YouTube पर हमारा चैनल अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लेश इरम, जय हिंद।